एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं छोटे में बताता हूँ आपको। तो मैं पहले समीर जी से मिला, किसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने उनको मेरे कुछ गाने सुनाए उनके सामने, उन्होंने बोला कि एक हम गाना कर सकते हैं हम लोग साथ में, आप भी करते हैं मैं भी करता हूँ। फिर हम लोग ने ऐसे गाना उन्होंने लिखा और फिर सिद्धांत जी जुड़े हमारे साथ, गाना वैसे चालू हुआ और जो ट्यून बनी है वो मुझे ट्यून बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, फिर हम लोग ने उस पर काम चालू कर दिया। यार आई फील मेरे लिए तो ये प्रोजेक्ट जब ऑफर हुआ था आई थिंक सो, एंड जब ये गाना मैंने पहली बार सुना था, संजय ने मुझे ये गाना भेजा था और उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें जुड़ने के लिए, फॉर मी ये वहाँ से वो कहानी चालू हुई। आई थिंक हमारा एक वाइब था, एक रिलेशन था जो हमने आई थिंक वही पहले कॉल में आई थिंक एक बॉन्डिंग बन गई, बिल्कुल बन गई थी। एंड उसके बाद ये गाना इतना सुकून है ये गाने में, जब आप सब लोग सुनेंगे ये गाने को आई एम श्योर आप लोग को भी ऐसा ही लगेगा। एंड वहाँ से मेरे लिए ये गाना आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ पेन, कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द है ये गाने में और वीडियो में भी दर्द है और खुशी भी है और जुदाई की पूरी एक स्टोरी है जो आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक वीडियो में। हाँ तो ढूंढने की कोशिश, हाँ तो एक्चुअली मैं जब मैं ये गाना कर रहा था तो मैंने ऑडियो, मैं तो गाने के साथ वीडियो से पहले से जुड़ा हुआ था, तो मैंने गाते वक्त और एक गाने के लिरिक्स पढ़ते वक्त एक अलग सा एक अच्छा मतलब जो भी मेरे दिमाग में एक अलग स्टोरी बन रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे डायरेक्टर किरण और स्टोरी राइटर प्राची जिन्होंने स्टोरी लिखी, वो दोनों जब एक साथ जुड़े, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि इस तरीके से भी ये बताया जा सकता है, ये भी एक बहुत अच्छा आस्पेक्ट है इस गाने का लिरिक्स के साथ, तो वो सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर उसके आगे की वीडियो बनने की जर्नी और सबको एक साथ लाना, एक टीम खड़ा करना और एक वीडियो जो आपके सामने इस समय है, आई होप आपने देखा भी होगा, वो इस तरीके से सामने आया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा द फर्स्ट टाइम आई हर्ड संजय एक्चुअली सेंडिंग मी द सॉन्ग एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, मेरे लिए एक इतना आई थिंक आपने जैसे पूछा था ना कि ये गाने में भी सुकून है, तो आई थिंक दर्द में भी एक अपना ही सुकून होता है, इसलिए शायद से ये वीडियो भी ऐसे ही बना है कि इसका एक अपना ही दर्द है और अपना ही सुकून है उस दर्द में भी। एंड ऑब्वियसली गाना के लिरिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज आपको मालूम करता है कि आप कितना रिलेट कर सकते हैं विद द ऑडियंस, विद एवरीवन हू इज लिसनिंग टू द सॉन्ग। सो आई फील बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिरिक्स। एंड संजय ने जब ये गाया है जो चाह से और जो दिल से गाया है वो गाने को, आई थिंक वो भी पूरे गाने में एक चार चांद लेके आ जाते हैं। थैंक यू। ऐसा आप क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक 90s किड रहा हूँ तो मुझे वो 90s का ट्यून, 90s की चीज़ें पहले से ही जहन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। तो जब मुझे एक ऐसे लेजेंडरी राइटर के साथ काम करने का मौका मिला तो वो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं सौभाग्य जो भी है वो मानता हूँ मैं, खुशनसीब है जो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। फिर लिरिक्स जब मैंने सुना पहली बार, उसके बाद जिस तरीके से गाना बह रहा था, जो कॉम्पोजिशन थी, बस उसी से मुझे बहुत प्यार हो गया और बस ये गाना इस तरीके से मैंने गाने में इमोशन डाला है, बस जो इमोशन डाला है क्या मैंने बस उस गाने से प्यार, जिस तरीके का मेरा प्यार हुआ था वही मैंने अपने गानों में डाल दिया। तो ऐसे है कि पहले से ही डिसाइडेड था कि इसका एक वीडियो भी बनेगा, और वीडियो किस तरीके से बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो उस समय पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था। उस समय ऑडियो गाने के पीछे ही हम लोग थे कि गाना किस तरीके से अच्छा बना जाए, और जब गाना बना तो उसके बाद फिर हम लोग ने वीडियो की तरफ जो सेकेंड आस्पेक्ट था उस तरफ गए, क्योंकि ऑडियो विजुअल्स ही हमेशा मुझे लगता है काम करता है, एक विजुअल है, एक विजुअल क्रिएट हो जाता है। जब आप गाना सुनते भी हैं, आप देख नहीं रहे हैं, फिर भी आपके सामने एक पिक्चर बन रही होती है उस गाने की अपने जहन में अपने ही तरीके की। तो एक जब आपके सामने एक रेफरेंस मीडियम रहता है, किसी और का थॉट रहता है, आपके थॉट से विपरीत कुछ चीज़ आपको दिख रही है उस गाने के अलग, तो वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। देखिए समीर साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में दिग्गज हैं, जो कहें वो कम है उनके लिए।
उनसे उन तक आप कैसे पहुँचे? बड़ा मुश्किल होता है जब मैं इस इंडस्ट्री की बात करता हूँ, यहाँ तो आपस में मोनोपोली चालू रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, पहुँच पाना और फिर उनका आपको वक्त देना, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सो एक्चुअली आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस द लास्ट 5 ईयर्स। मैं आजीवासन म्यूजिक अकेडमी में हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रहा था और अभी भी सीखता हूँ थोड़ा, तो मैं कर रहा था म्यूजिक, आई वॉज कम्पोजिंग माई सॉन्ग्स, आई वॉज राइटिंग माई लिरिक्स, आई वॉज राइटिंग माई सॉन्ग्स, सिंगिंग दैम। मेरे काफ़ी ओरिजिनल्स भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो उसके बाद एक ऐसा बाई गॉड्स ग्रेस, आप कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक लाइट चमक जाती है, तो वैसा एक मुझे जरिया मिला मेरे डैड के, मेरे पापा जी के एक दोस्त थे, उनके तरफ से ऐसा हुआ कि उनसे मिल सकते हैं आप, तो मैं बस मिलने गया और फिर चीज़ें ऐसे ही बनती गई और ये गाना है आपके सामने, उनके लिरिक्स है, उनके साथ काम करने का मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। अब आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा यू नो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वीडियो पार्ट जी, एक अंदर से यू नो आवाज़ आती है कि एज एन इंडिविजुअल एज एन आर्टिस्ट यार ये लोगों तक हिट होने वाला है, लोगों तक जरूर पहुँचेगा। एब्सोल्युटली 100%। अगर जूही यहाँ पे होती, हमारी जो कोस्टार है, वो आपको भी यही कहती कि जब हम लोग ये शूट कर रहे थे, बहुत टाइम पे सिचुएशंस ऐसी थी कि हम लोग असली में झगड़ रहे थे, और ऑब्वियसली बिकॉज देयर द म्यूजिक इज आउट सो वी कांट रियली लिसन टू आवर फाइट्स एंड आवर कॉन्वर्सेशंस। हमने वहाँ पे एक जोक भी बनाया था मैंने और जूही ने, हमने ये कहा था कि हमें एक BTS बनाना चाहिए अलग वीडियो विदाउट द ऑडियो। सो हमें समझ में आया कि हम कितना रियल लड़ रहे हैं, और लड़ाई इन द सेंस कि जब मुझे पकड़ रही थी, मेरे हाथ से खून निकल रहा है और हम धक्का दे रहे हैं दूसरे को, और मैं आई थिंक एक पूरा दिन था जहाँ मैं सिर्फ रो रहा था, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज एन एक्टर टू फील दैट इतना टाइम, इतना इमोशन, इतना एनर्जी इन्वेस्टेड था एक प्रोजेक्ट में। आई डेफिनेटली थॉट दैट जहाँ लोग ये फील कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट बन सकता है, तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल फील इट एंड दे विल डेफिनेटली रिलेट टू इट। इट्स बीन सुप्रीमली चैलेंजिंग एंड इट्स बीन ग्रेट आई थिंक सो। मेरा पहला प्रोजेक्ट ही बहुत बहुत बोल्ड प्रोजेक्ट था, और यू नो मैंने अपने आप से ये कहा था कि आई विल नॉट डू दिस, और ये ऐसे कभी नहीं होता है। जो चीज़ से आप भागते हैं, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप उसी के सामने आ जाते हैं, सो यू हैव टू बी फेस योर फियर्स एट एवरी टाइम, एंड इट्स ऑब्वियसली बिन वेरी चैलेंजिंग, इट्स बिन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लव द वर्क आई डू। आई मीन जो मैंने कैरेक्टर्स इन द पास्ट किए हैं, आई एम नेवर डन समथिंग दैट्स रेपिटेटिव एंड इट्स बिन द सेम। आई थिंक हर रोल एक अलग लाइट में रहा है, एक अलग एस्पेक्ट में रहा है, एंड ये भी एक बहुत बहुत अलग सेंसिटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट में है, जहाँ मुझे अपना एक अपना नया साइड दिखा, यू नो एज अ कैरेक्टर एज एन एक्टर। आप दोनों से चाहूंगा कि फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप दोनों, क्यों आए और इसका हिस्सा। ये देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैं एक 90s किड रहा हूँ, तो उस तरीके का जोन, उस तरीके का कल्चर मुझे बहुत ही पसंद है म्यूज़िक में। तो ये जब उस तरीके का गाना है, और आई एम श्योर कि काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि 90s के मेलेडी के दीवाने हैं, और वो चाहते हैं कुछ ऐसा गाना है हमारे दौर का, और हम वैसे गाने भी हम सुने, तो ये गाना वैसा है। और अगर आप गाने उस तरीके के गाने 90s के आप गाने पसंद करते हो, 90s के 80s के, तो आपको ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और आप एक बार बस उस गाने को सुनिए, वीडियो देखिए, उसमें विक्रम है, इतना अच्छा काम किया है भाई। थैंक यू बहुत मज़ा आया, बहुत मजा। यस करीबाना तेरा मरहम है मेरे जख्मों का बाखुदा, दूरी तुझसे ऐसे जैसे मैं जी जा रहा हूँ बेवजह, मेरी कोशिशें सारी तुझे पाने की है, मुझ में तू ही तू है हर जगह, मेरे सुकून का पता है तू, मेरे तो दर्द की दवा है तू, मेरे सुकून का पता है तू, मेरे तो दर्द की दवा है तू। ये थैंक यू सर, थैंक यू सर।